जलाभिषेक यात्रा को लेकर नौ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से की जा रही है निगरानी, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। उधर नौ में शाम 6 बजे तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवाएं, सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत, कांवड़ियों में उत्साह का माहौल, कांवड़ यात्रा को लेकर जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह बनाए गए कांवड़ कंट्रोल रूम, हर चौराहे पर सीसीटीवी से लगातार रखी जा रही है निगरानी। एनटीए ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा, आईआईटी मद्रास के निदेशक के खिलाफ हितों के टकराव के आरोपों का खंडन किया है, निदेशक ने ही तैयार की थी एनालिटिक्स रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना, भक्तों में भारी उत्साह, सभी ने लगाए बम बम भोले के नारे। रजौरी में भारतीय सेना ने आतंकी हमले को किया नाकाम, सेना चौकी पर हुआ था हमला, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, 1 आतंकी के घायल होने की खबर है। उधर संसद के मॉनसून सत्र का आज से आगाज, 12 अगस्त तक चलेगा संसद का सत्र, इस दौरान सरकार की ओर से 6 विधेयक भी पेश किए जाने की उम्मीद। संसद का यह सत्र हंगामेदार होने की संभावना है, विपक्ष की तरफ से नीट पेपर लीक के साथ साथ कांवड़ नेम प्लेट मुद्दे को उठाए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग की दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की उठाई गई मांग, मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दुकानों पर नेम प्लेट विवाद को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, कहा बागेश्वर धाम के बाहर दुकानों पर लगे नेम प्लेट, 10 दिन के भीतर नाम न बताने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा, और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी और गायत्री भी रहने वाली हैं। मॉर्निंग प्राइम टाइम में सबसे पहले बात करेंगे नलहड़ शिव मंदिर का, जो हरियाणा के नू में है। आपको बता दें वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज भक्त ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकालेंगे, और इसे देखते हुए प्रशासन ने इलाके में आज शाम 6 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है। प्रशासन ने करीब 2000 सुरक्षाकर्मी नू में तैनात किए हैं, जबकि ड्रोन से रिहायशी इलाकों में नजर रखी जा रही है। पिछली बार आपको याद होगा कि किस तरीके से वहां पर दंगे भड़के थे, जिसके बाद इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये नलहड़ शिव मंदिर है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है नू में, जहां आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है। जितने हर संभव जितने सिक्योरिटी कंसर्न है, और जो सिक्योरिटी जहां तक तैनाती की जा सकती है सुरक्षा की, तो वो सुरक्षा में लगभग 2000 की पुलिस फोर्स तैनात है। वीडियो सर्वेलेंस बढ़ाया गया है, चाहे वो नाकों की बात हो या फिर आकाश से ड्रोन के माध्यम से काफ़ी सर्वेलेंस बढ़ाया गया है। इसका अलावा नए जो इसमें एरेना ऐड किए गए हैं, वो डॉग स्क्वाड का मदद ले रहे हैं। इसके अलावा जो MAP जो आर्म्ड पुलिस है हमारी, जो माउंटेड आर्म्ड पुलिस है, उसको भी लगाया गया है। तो पहला सावन सोमवार है, और ऐसे में ब्रजमंडल यात्रा भी निकाली जाएगी नूह में। पिछले बार जिस तरीके से वहां पर दंगे भड़के थे, ऐसी कोई स्थिति ना बने, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी ग्राउंड से जतिन। नूह में आज ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, साथ ही गुरुग्राम से नूह की तरफ जाने वाली गाड़ियों को बकायदा चेक किया जा रहा है, और आप ये तैयारियां देख रहे हैं। हरियाणा पुलिस बड़ी संख्या में डिप्लॉय नू और गुरुग्राम के बॉर्डर पे की गई है, साथ ही जो भी गाड़ियां यहां से गुजर रही है उन सभी की तलाशी यहां पर ली जाएगी। साथ ही आप देखेंगे कमांडोज को भी यहां पर तैनात किया गया है, मल्टीलेयर बैरिकेटिंग जो है वो पुलिस के जरिए यहां पर साफ तौर पर की गई है। आपको बता दें कि पिछले साल जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसको देखते हुए इस बार इंटरनेट पहले से ही बंद कर दिया गया है, साथ ही बॉर्डर्स में तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी तलाशी ली जा रही है, पूछा जा रहा है कि आप कहां से आ रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। साफ तौर पर जो एडवाइजरी जारी की गई है नू पुलिस द्वारा, हरियाणा पुलिस द्वारा, उसको यहां पर पूरे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। सादी वर्दी में आप देख लेंगे, या यूं कहे कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में जो सुरक्षाकर्मी है वो यहां पर तैनात है, और हर स्थिति को यहां पर जांचने की कोशिश की जा रही है
किसी भी तरीके के इक्विपमेंट्स गाड़ी के अंदर तो नहीं है। तमाम जो ऐसी चीजें हैं उसको बकायदा यहाँ पर चेक किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल जब ब्रज मंडल यात्रा निकली थी उस समय हिंसा जो है वो हुई थी, इस बार ऐसी कोई स्थिति ना हो, जिसको देखते हुए सुबह से ही तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा साफ तौर पर की जा रही है। सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि ड्रोन से भी इस पूरे इलाके की जो निगरानी है वो साफ तौर पर की जाएगी। अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो आप देखेंगे जो तमाम हरियाणा पुलिस के सुरक्षाकर्मी हाथ में डंडे और एक तरीके से शील्ड पहन कर यहाँ पर खड़े हुए हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसको किस तरीके से टैकल करना है। तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। आप देखेंगे ड्रोन कैमरा भी पुलिस कर्मियों के पास मौजूद है। आसपास के जितने भी रिहायशी इलाके हैं उनकी निगरानी इस ड्रोन कैमरे से की जाएगी ताकि ये पता किया जा सके किसी भी तरीके की जो गैदरिंग है वो तो इलाके में नहीं हो रही। और इसी तरीके की जो स्थिति आप यहाँ पर साफ तौर पर देखेंगे, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो पुरुष पुलिसकर्मी हो, हर किसी को भी बॉर्डर पर तैनात किया गया ताकि नूह की तरफ जाने वाली तमाम गाड़ियों की जो जांच है वो की जा सके। आपको बता दें कि 2000 से भी ज्यादा जो सुरक्षाकर्मी है वो इस मौके पर नूह और आसपास के इलाकों में तैनात किए गए हैं ताकि हर स्थिति से निपटा जाए और जो भी लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं नूह में उनकी बाकायदा जो तलाशी है वो ली जा रही है। साफ तौर पर जो एडवाइजरी पुलिस द्वारा जारी की गई है उसमें यह बोला गया है कि महिलाएं इस यात्रा से दूर रहें, अफवाहों पर ध्यान ना दे और यही कारण है कि इंटरनेट को भी शाम 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो हर स्थिति से निपटने के लिए नूह पुलिस ने तमाम तैयारियां की है और यही तस्वीरें नूह के अलग अलग इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। विजय संतोष के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, नूह। कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर्स लगाए जाए। इन वॉलंटियर्स के माध्यम से जो भी हमारे जो मंदिर में परिसर में जो आ रहे हैं जितने भी भक्त हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ हमारी तरफ से जो रूट व्यवस्था भी बनाई गई है और जगह जगह पे थोड़ा सिक्योरिटी भी रखी गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और कोई भी अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसको तुरंत क्या चाहिए। बाकी शांति का माहौल है, पीस का माहौल है और लोगों में उत्साह है और सावन का पहला सोमवार है। आपने भी आशीर्वाद लिया, मैं भी बाबा भोले के आशीर्वाद लेने आया हूँ और आशा करता हूँ कि सब लोग शांति से आगे मंगलमय जीवन के लिए बाबा भोले को आशीर्वाद लें। सर, पिछली बार जो वायलेंस हुई थी तो खासकर जो पहाड़ों की तरफ से पथराव और तमाम चीज़ें हमने देखी, आप भी उस वक्त यहाँ पर, सर विजिलेंस किस तरह से बढ़ाया गया, क्या ड्रोन के जरिए एक्स्ट्रा फोर्स? देखिए, जो भी हमें लगता था कि कमियाँ या जो भी हमें ऐसा लगता था कि जो तैयारियों के लिए ज़रूरत है और जो पिछली बार जो इंसिडेंट हुए उनसे हमें जो चीज़ आई हमने उसकी पूरी तैयारी की है, चाहे वो पहाड़ी पे सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाने के लिए हो, चाहे सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए हो, चाहे फोर्स के लिए। और लेकिन उससे भी ज़्यादा जो लोगों में एक विश्वास जीतना वो सबसे बड़ी बात है। तो आज तो आपने देखा वहां पर सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त क्या है, लेकिन आपको ये बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि नू आखिरकार क्यों संवेदनशील है, क्योंकि 31 जुलाई 2023 को ब्रज मंडल यात्रा निकाली गई थी, ये पिछले साल की बात है। ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी जबरदस्त तरीके से, कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, यात्रा में शामिल लोगों पर जबरदस्त तरीके से पथराव हुआ था, कई लोग उसमें जख्मी हुए थे, उपद्रवियों ने थाने में भी आग लगा दी थी, मतलब हिंसक घटनाएं चारों तरफ देखने को मिली थी, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले दिया गया था और इसीलिए इस बार की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। लेकिन आपको बता दें कि पिछली साल की अगर बात की जाए जो जवानों की तैनाती थी, इस बार हिंसा में 2000 से ज्यादा लोग उस दौरान फंस गए थे और इसी लिहाज से इस बार जवानों की तैनाती ज्यादा की गई है। आपको यह भी बता दें कि पिछले साल जो हिंसा हुई थी उसमें 5 लोगों की मौत की भी खबर थी। हिंसा के बाद हरियाणा के 4 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई थी, सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई थी। उस वक्त जो हालात थे उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे और यही वजह है कि इस बार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सख्त कदम इख्तियार किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है।